यह जनता का फरमान है, जनता का आदेश है कि अब हमें इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की ओर रुख करना चाहिए। धनबाद से सटे बलियापुर में जुटी भीड़ ने झारखंड के राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। एक आह्वान पर जुटी ये भीड़ सभी दलों के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ कि लोगों को किसी सभा में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया, बल्कि मना किया गया कि आप मत आइए, जगह कम है। कुर्सियां लगी सिर्फ 5,000 और लोग पहुंचे 50,000 से अधिक। ये भीड़ जुट तो धनबाद में रही थी, लेकिन इसकी धमक राजधानी रांची तक पहुँच रही थी। दरअसल धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बलियापुर में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का पहला महाअधिवेशन था। राज्य भर से यहां समिति के लोग पहुंचे थे। बलियापुर को इसलिए चुना गया क्योंकि बलियापुर में विनोद बिहारी महतो की समाधि स्थल है। दिन भर चले इस महाअधिवेशन में सर्वसम्मति से जयराम महतो को अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद भीड़ को देखकर उत्साहित जयराम महतो ने ऐलान कर दिया कि वह झारखंड में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का उम्मीदवार उतारेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को राजनीतिक पार्टी बनाया गया और पार्टी का चुनाव चिन्ह टाइगर रखा गया। अध्यक्ष का पद मिलते ही जयराम महतो ने घोषणा कर दी कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। रविवार को भीषण गर्मी होने के बावजूद महाअधिवेशन में जुटी ये भीड़ देखकर सबके मन में एक उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि अब उनके सपनों का झारखंड बनेगा, उनके लोग शासन में बैठेंगे और उनके हिसाब से ही काम करेंगे। सभा के दौरान एक समय तो ऐसा भी आया जब भीड़ अनियंत्रित हो गई। सिर्फ 5,000 लगी कुर्सियों पर जब 50,000 लोग बैठने के लिए दौड़ेंगे तो थोड़ी अव्यवस्था तो होगी ही। समर्थकों की भीड़ देखकर जयराम खुद मंच से नीचे उतर आए और कार्यकर्ताओं को बैठने का इशारा कर खुद उनके साथ जमीन पर बैठ गए। अपने नेता को साथ बैठा देख कार्यकर्ता का उत्साह और बढ़ गया। इसके बाद सेल्फी का दौर शुरू हो गया। दिन भर चले इस महाअधिवेशन में जब शाम 6 बजे जयराम महतो बोलने के लिए खड़े हुए तो सबका उत्साह फिर से रिचार्ज हो गया। जयराम 3.5 घंटा लगातार बोलते रहे। उनको सुनने के लिए उनके हजारों समर्थक शाम 6:30 बजे तक बैठे रहे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के इस महाअधिवेशन में एक और खास बात देखने को मिली कि इसके जरिए एक मिथक को भी तोड़ने की कोशिश की गई। अब तक सोशल मीडिया के जरिए जयराम महतो पर यही आरोप लगते रहे हैं कि वह सिर्फ एक जाति विशेष के नेता हैं, लेकिन इस महाअधिवेशन में मंच पर महतो नेताओं के साथ साथ मनोज यादव, संजय मेहता, फरजान खान, सजुल हेम्ब्रम, पूजा कुमारी के साथ साथ कई और लोग मौजूद रहे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in